स्टूडेंट, आई एम आरोही रानी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इटर्निटी लर्निंग ट्यूटोरियल। तो आज का हमारा टॉपिक है जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल, जो पिछली क्लास में अच्छे से कवर नहीं हो पाया था, हम लोग रिपीट उसी को आज देखते हैं। तो जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल क्या होता है, मतलब वेरिएबल की कोई ऐसी वैल्यू जिसको उस पॉलीनोमियल में पुट करने पे उस पॉलीनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, उसे हम लोग बोलेंगे जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, P of x इज इक्वल टू 5x प्लस में 2। अब देखिए इस पॉलीनोमियल में यहाँ पे जो वेरिएबल है x, यहाँ पे x का कोई ऐसा वैल्यू जो x के जगह पे पुट करने पे इस पॉलीनोमियल की वैल्यू को पूरा ज़ीरो कर दे, उसे हम लोग बोलेंगे ज़ीरो ऑफ द पॉलीनोमियल। तो अगर हम यहाँ पे फाइंड करते हैं, x की जगह अगर हम लोग डालते हैं -2/5, तो 5 इंटू एक्स की जगह पुट कर देंगे -2/5 प्लस में 2, ये 5 कैंसिल हो गया, -2 + 2 इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे पी ऑफ एक्स की जगह पे हम लोग x का वैल्यू डाले -2/5, जो इस पॉलीनोमियल पे पुट करने पे इसका वैल्यू 0 आ गया, तो इसे हम लोग बोलेंगे 0 ऑफ द पॉलीनोमियल। नेक्स्ट हमारा जो है जीरो पॉलीनोमियल, देखिए ये क्या होता है, मतलब इट हैज़ नो वेरिएबल ओनली कांस्टेंट, इसका कोई वेरिएबल नहीं होता है इसमें, केवल क्या रहता है कांस्टेंट टर्म। जैसे कि अगर हम पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ले लिए 5, या फिर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ले लिए 6, या फिर ऐसा लाइक दैट, तो ये हो गया जीरो पॉलीनोमियल और ये हो गया जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल। ओके, अब हम लोग क्लास 9 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 1 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। मतलब क्वेश्चन अच्छे से समझिए, बताना है कि इसमें से कौन सा जो पॉलीनोमियल है वो पॉलीनोमियल है लेकिन वन वेरिएबल का, पॉलीनोमियल है लेकिन वन वेरिएबल का पॉलीनोमियल है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, और अपने मतलब उस के बारे में रीज़न भी बताना है कि वो मतलब क्यों पॉलीनोमियल है या फिर क्यों वो पॉलीनोमियल नहीं है, ये सारा चीज़। फर्स्ट क्वेश्चन है 4x² - 3x + 7। तो यहाँ पे देखिए ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम लोग पॉलीनोमियल बोल सकते हैं, क्योंकि इसका जो पावर है वो हॉल नंबर में है, इसका पावर किस में है, हॉल नंबर में है, और ये वन वेरिएबल का भी एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है 4x² - 3x + 7। देखिए ये वन वेरिएबल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो केवल एक ही है, एक्स है, केवल क्या है एक्स है, इसलिए ये वन वेरिएबल का एग्जाम्पल हो गया। अगर टू वेरिएबल का होना चाहिए तो वो क्या होता, 4x² + 3y, ये हमारा टू वेरिएबल का एग्जाम्पल हो गया। थर्ड, जैसे कि 4x² + 3y + z, मतलब ये तीन वेरिएबल का एग्जाम्पल हो गया। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि केवल वन वेरिएबल होना चाहिए, मतलब केवल ये होना चाहिए और वो पॉलीनोमियल भी होना चाहिए। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, तो जो फर्स्ट वाला एग्जांपल है वो पॉलीनोमियल है, तो हम लोग लिखते हैं इट इज अ पॉलीनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। सेकंड देखिए y² + √2, इसमें भी एक ही वेरिएबल है केवल y, तो ये भी वेरिएबल है वन वेरिएबल का और ये पॉलीनोमियल भी है, तो सेम इसी को यहाँ पे लिख देंगे। थर्ड वन है 3+√2 + t√2। अभी हम क्या बताए थे कि पॉलीनोमियल वही एक्सप्रेशन होगा जिसका पावर होल नंबर होना चाहिए, अगर यहाँ से हम लोग रूट हटाते हैं तो यहाँ पे t⁻⁠ चला जाएगा, मतलब सॉरी माइनस नहीं 1/2 चला जाएगा, t⁻⁰, मतलब ये इसमें मतलब होल नंबर के रूप में नहीं है, तो ये पॉलीनोमियल नहीं हो सकता है, वन वेरिएबल का तो है लेकिन ये पॉलीनोमियल है ही नहीं, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ नॉट अ पॉलीनोमियल ऑफ वन वेरिएबल बिकॉज इसका जो ये पावर है वो होल नंबर में नहीं है। सेकेंड, फोर्थ क्वेश्चन 3, जैसे कि हम बताए थे कि यहाँ पे जो रूट टू है अगर यहाँ से रूट हटेगा तो t⁻⁰ हो जाएगा, जो कि ये हॉल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये पॉलीनोमियल नहीं हो सकता, तो हम लोग रीज़न क्या डालें, इट इज़ नॉट अ पॉलीनोमियल एज द पावर इज़ नॉट हॉल नंबर। फोर्थ क्या है, y
प्लस टू बाई वाई, ये y जो नीचे इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, ये y के ऊपर माइनस पावर ऐड हो जाएगा, मतलब जो भी होल जो कि होल नंबर नहीं होगा। तो इसमें भी सेम रीजन रहेगा, इट इज नॉट अ पॉलीनोमियल एज द पावर नॉट होल नंबर। सबसे लास्ट क्या है, x का पावर 10, y का पावर 3, t का पावर 50, सारा पावर होल नंबर में है लेकिन ये वन वेरिएबल का है नहीं है, ये थ्री वेरिएबल का है क्योंकि x, y और t तीनों टर्म्स में आ गया, ये थ्री वेरिएबल का है, इसलिए ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन थ्री वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे इट इज नॉट अ वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर वन का 5 क्वेश्चन, क्लियर है। नेक्स्ट सेकेंड में क्या बोला है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जितना भी पॉलिनोमियल लिखा हुआ है उसमें हम लोग को कोएफिशिएंट लिखना है, किसका लिखना है, तो यहाँ क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर पूछा है तो हम लोग को एक्स स्क्वायर का ही कोएफिशिएंट बताना है। तो सबसे पहले देखिए ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप उसमें खोजिए, फाइंड कीजिए एक्स स्क्वायर कहाँ है, तो ये रहा है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के बगल में कौन सा कोई ये टर्म है, नहीं, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो जाएगा यहाँ पे 1। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ, और माइनस वाला टर्म को भी हमेशा साथ में लेके चलना है एक्स स्क्वायर। इसके बगल में कोई मल्टीपल वाला नंबर है, नहीं, तो नहीं है, तो इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा एक्स स्क्वायर का माइनस 1। थर्ड वन इज ये रहा एक्स स्क्वायर, इसके बगल में मल्टीप्लाई में क्या है पाई बाई टू, तो ये पाई बाई टू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो जाएगा पाई बाई टू। एंड लास्ट यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, मतलब एक्स स्क्वायर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो तो यहाँ है ही नहीं, तो उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100। इसमें हम लोग को एक एग्जांपल देना है जिसका हाईएस्ट डिग्री होना चाहिए 35 और वो बाइनोमियल होना चाहिए, और सेकंड वो उसका हाईएस्ट डिग्री होना चाहिए 100 और वो मोनोनोमियल होना चाहिए। तो पहले हम लोग बाइनोमियल का कोई एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे कि x प्लस 5। बाइनोमियल मतलब जिसमें दो टर्म होना चाहिए, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, ये हो गया बाइनोमियल का एग्जाम्पल। और एक मोनोनोमियल का लिख लेते हैं x। अब देखिए इसमें हाईएस्ट डिग्री, बाइनोमियल का हाईएस्ट डिग्री बोला है 35, तो हम लोग इसके ऊपर 35 डाल देते हैं, ये एक इसका एग्जांपल हो गया। अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं तो ये हो गया x प्लस y, ठीक है, ये भी बाइनोमियल का ही एग्जांपल है। अगर हम लोग यहाँ पे x का पावर 35 डालें तो y का अगर हम लोग को पावर डालना है तो ये ध्यान में रखिए कि जब भी y का पावर डालें वो 35 से कम होना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पे x का पावर, यहाँ पे y का पावर 40 डाल देते हैं तब तो इसका हाईएस्ट पावर 40 हो गया, तब तो ये इक्वेशन गलत हो गया। इसीलिए ये ध्यान में रखिए कि जब भी हम लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं जो क्वेश्चन में पूछा है वही उसका आंसर निकलना चाहिए। जैसे कि पहला बोला है बाइनोमियल होना चाहिए, तो ये बाइनोमियल हो गया, उसका हाईएस्ट डिग्री 35 भी हो गया। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स का पावर 20 प्लस y का पावर 35, हाँ ये सही है क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री 35 है तो ये इसका एग्जांपल हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग ऐसे लिखे x का पावर 100 प्लस में y, तो ये गलत हो सकता है, ये गलत है, ये सही है, ये सही है, मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लेकिन ऐसे नहीं लिख सकते। नेक्स्ट मोनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री क्या होना चाहिए 100, तो इसका एग्जांपल ये भी हो सकता है, 2x का पावर 100 भी हो सकता है, y का पावर भी 100 हो सकता है, माइनस y का पावर भी 100 हो सकता है, क्योंकि ये सारा मोनोमियल है, मोनोमियल मतलब एक टर्म, और एक टर्म का हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए 100, तो इसका भी 100, इसका भी 100, इसका भी 100 और इसका भी 100। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ये हम लोग तभी अच्छे से क्लियर कर पाएंगे जब आपका इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो था वो क्लियर होगा तभी, क्योंकि ये उसी से ही पूरी तरह से रिलेटेड है। 4 क्वेश्चन क्या है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल। मतलब डिग्री हम क्या बताए थे आपको कि जिसका डिग्री सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रहता है वो इसका डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल होता है। जैसे कि इस पॉलीनोमियल में आप देखिए इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है 3, कौन सा टर्म का 5x³, ये टर्म है, ये इसका हाईएस्ट डिग्री क्या आया 3, तो इसका डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल क्या हो जाएगा 3। सेकेंड वन में हाईएस्ट पावर क्या है इसमें 2, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 2, इसमें
हाईएस्ट पावर यहाँ पे कुछ नहीं मतलब वन, तो इसका हाईएस्ट पावर हो जाएगा वन, यहाँ पे तो वो टर्म है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। यहाँ पे जितने भी पॉलिनोमियल दिए हुए हैं उनमें हम लोग को बताना है कि कौन क्वाड्रेटिक है, कौन लीनियर है और कौन क्यूबिक है, जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर में हम पूरी तरह से बताए थे। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका पावर टू, मतलब ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट x माइनस एक्स क्यूब, हाइस्ट पावर थ्री, मतलब ये हो जाएगा क्यूबिक। नेक्स्ट y प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर, यहाँ पे y का पावर वन है, कुछ नहीं है तो वन है, और यहाँ पे y का पावर टू है, हाइस्ट पावर टू हुआ, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट वन प्लस एक्स, इसका हाइस्ट पावर वन, मतलब ये हो जाएगा लीनियर। नेक्स्ट थ्री टी, इसका भी हाइस्ट पावर वन, तो ये भी हो जाएगा लीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, आर का पावर टू मतलब आर स्क्वायर, इसका हाइस्ट डिग्री टू, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट सेवन वन इज सेवन एक्स क्यूब, इसका हाइस्ट डिग्री थ्री, तो ये हो जाएगा क्यूबिक। तो इस तरह से हमारा 2.1 एक्सरसाइज 2.1 का जितना भी क्वेश्चन था वो सारा क्लियर हो चुका है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हुआ तो आप कमेंट करें और बताएं, मैं तुरंत उसका आंसर आप लोगों को बताऊंगी। थैंक यू।